देखिए, अब अगर रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान नहीं बने तो ये टीम इंडिया का दुर्भाग्य है, रोहित शर्मा का नहीं। ये बात टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज और अपनी कप्तानी में केकेआर को दो बार चैंपियन बनाने वाले गौतम गंभीर ने कही। आईपीएल 2020 के फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर पांचवी बार खिताब पर कब्जा किया और एक बार फिर ये टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में ही चैंपियन बनी। गौतम गंभीर का मानना है कि वनडे और T20 मुकाबलों में भारतीय टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा को अब कप्तान बनाने का समय आ गया है। गंभीर ने कहा कि अगर कोई खिलाड़ी पांच बार आईपीएल की ट्रॉफी जीतता है तो आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि बेशक एक कप्तान उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी उसकी टीम होती है, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन हर किसी को एक ही नजर से देखना चाहिए। अगर हम धोनी को भारत का सबसे सफल कप्तान कहते हैं, जो कि वह हैं, तो वो इसी आधार पर कहते हैं कि उन्होंने दो वर्ल्ड कप जीते हैं और तीन आईपीएल ट्रॉफीज भी, और अब रोहित शर्मा पांच बार आईपीएल ट्रॉफी जीत चुके हैं, तो अगर आगे जाकर उन्हें वनडे की कप्तानी या T20 क्रिकेट की कप्तानी नहीं मिलती तो ये शर्म की बात है, क्योंकि इससे ज्यादा रोहित शर्मा कुछ नहीं कर सकते। वह सिर्फ जिस टीम की कप्तानी कर रहे हैं उसे जीत दिला सकते हैं। गंभीर ने कहा कि रोहित ने यह साबित किया कि उनकी कप्तानी में और विराट कोहली की कप्तानी में कितना फर्क है। एक खिलाड़ी पांच बार आईपीएल की ट्रॉफी जीतता है तो दूसरा एक बार भी नहीं जीत पाया है। गंभीर ने कहा कि विराट कोहली खराब कप्तान नहीं है, लेकिन विराट और रोहित शर्मा को एक ही मंच मिला है और सेम मंच पर रोहित ने खुद को बेहतर साबित किया है। दोस्तों, आप गौतम गंभीर की इस बात से कितना सहमत हैं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इस पर अपनी राय जरूर दें। और क्रिकेट के ऐसे और अपडेट्स देखने के लिए इस खबर को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।